ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं। बाबर आजम के अब अच्छे खासे फैन फॉलोइंग हो गए बीते 3-4 सालों में। जैसे इस बल्लेबाज ने अपने आप को निखारा है, सवारा है और पाकिस्तान की बल्लेबाजी क्रम का जो है ना मेन, आप क्या कह सकते, मुख्य रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं, है ना। तो बाबर आजम रन्स बनाते हैं और बीते कुछ समय से कुछ ज्यादा ही रन्स बना रहे हैं। इसी वजह से वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पे है, T20 रैंकिंग में भी नंबर 1 पे, टेस्ट में नंबर 3 पोजीशन पे है। तो बंदे ने रन्स बनाए हैं और उन पर हमेशा ठप्पा लगता रहा है कि कमजोर टीम के खिलाफ रन्स बनाते हैं, लेकिन अगर आप आंकड़े देखेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने बड़ी टीमों के खिलाफ भी अपने आप को साबित किया और रन्स भी बनाया। खैर, आज के मैच की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच में मुकाबला खेला जा रहा है और तीसरा वनडे मैच। इससे पहले जो 2 मुकाबले खेले गए थे वहां भी बाबर आजम ने 50 लगाया था, लेकिन उम्मीद लोग यही कर रहे थे कि शतक लगाए। तीसरे वनडे मैच में भी बाबर आजम ने 50 लगा दिया है और शतक की तरफ वो बढ़ रहे हैं। इसी दौरान मैच के दौरान एक फैन जो है वो एक क्या कहते हैं पोस्टर रहता है ना, वो कुछ लिख के जो ऐसे दिखाते हैं, तो उसमें लिखा हुआ था कि बॉस ये समझ रहे हैं कि मैं बीमार हूं, लेकिन मैं बाबर आजम की बैटिंग देखने के लिए आया हूं। और मुझे लग रहा है कि क्योंकि वो पोस्टर लिया हुआ जो फैन था वो वायरल हो गया ट्विटर पे, काफी ज्यादा लोगों ने पोस्ट किया है, शेयर किया है कि देखो बाबर आजम की दीवानगी कुछ ऐसी हो गई कि लोग जो है बीमारी का बहाना करके भी जो है मैच देखने आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कल जब वो ऑफिस जाएगा तो बॉस उनकी अच्छे से खबर लेने वाली है। खैर, ऐसे में बाबर आजम नीदरलैंड की खबर ले रहे हैं। 75 रन के आसपास वो बना चुके हैं और शतक से जो है 25 रन दूर है, लेकिन पाकिस्तान टीम की बल्लेबाजी इस मैच में काफी ज्यादा खराब रही है। अब्दुल्ला शफीक बहुत सस्ते में पवेलियन लौट गया, आज उन्होंने वनडे डेब्यू किया था। फखर जमान भी सस्ते में आउट हुए, सलमान अली आगा को प्रमोट किया गया था लेकिन वो भी 20-25 रन 24 के आसपास में रन बनाकर वो भी आउट हो गए 30s के अंदर। मोहम्मद हारिस भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाया, खुशदिल शाह जो है वो रन आउट हो गए। तो इस तरीके से जो है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप इस मुकाबले में काफी ज्यादा स्लो रही है और बल्लेबाज फ्लॉप रहे। एक बाबर आजम ही है जो पूरी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को अपने कंधे पर उठाकर फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे हैं और सम्मानजनक स्कोर तक पाकिस्तान टीम को ले जाना चाहते हैं। देखते हैं क्या कुछ होता है इस मुकाबले में। जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।